चाहे जीते कोई भी, हमें सरकार बहुजन की बनानी है, चाहे 2400, 2900, 2300, हम सिर्फ इस उम्मीद के साथ इस मिशन में लगे हुए हैं कि पप्पू और पनौती से अलावा बहुजन समाज की एक लीडर को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि मैं संविधान की वजह से ही संसद में पहुंचा हूं और प्रधानमंत्री बनाऊं। देखिए, मोदी जी के कहने से कोई संविधान में बदलाव नहीं आ जाएगा। भारत के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी मंत्री बने वो सभी संविधान की बदौलत बने हैं। कोई इसमें कोई उन्होंने बहुत नई बड़ी बात नहीं की है। लेकिन जो लोग ये कुछ ये भी कह रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा, जैसे कि विवेक देवराव ने कह दिया था 15 अगस्त, ऐसा है, संविधान तो इनका बाप भी नहीं बदल सकता। संविधान बदलने की जहाँ तक बात है, संविधान को इनकी कोई पर्सनल बपोती नहीं है कि ये बदल देंगे। अभी बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं, संविधान तो बदलने की बहुत दूर की बात है, उस पर उंगली लगा के देख ले। ये बात सही है कि संविधान को ये लोग जो है मैनिपुलेट करना चाहते हैं, परंतु पार्लियामेंट के अंदर अभी भी वंचित तबके का प्रतिनिधित्व है, जिसके कारण वो बदलना अभी तक तो असंभव है। कुछ षड्यंत्र तो नहीं है कि बहुजनों को टेस्ट कर रहे हो कि संविधान बदल के देख लेते हैं एक बार? देखिए, बिल्कुल, ये बहुजन समाज जो है, बहुजन समाज, पिछड़ा समाज, जो वंचित तबका है, उसके पास आज रोजी रोटी ही बामुश्किल मिली है, तो संविधान की बात कहाँ से करेगा। तो ये जो लोग हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये जागे हुए हैं या सोए हुए हैं। जैसा एक्सपेरिमेंट इन्होंने 2 अप्रैल 2018 के अंदर किया था, और वह एक्सपेरिमेंट सफल भी हुआ। लेकिन यदि संविधान को बदलने की ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रथ यात्रा निकाल रहे हैं संविधान बचाने के लिए, चंदे भी उघा रहे हैं वो। देखिए, जितने नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। और किसमें कितना जहर हमको सब मालूम, किसमें कितना है जहर हमको सब मालूम। सबसे ज़्यादा सांप हम इन्हें पाले हैं। ये समाज के वो सांप हैं, वो नाग हैं, जो बहुजन समाज की एक पार्टी को वोट तो नहीं देंगे, परंतु अपनी रथ यात्रा, कुत्ता यात्रा, फलाना यात्रा, ढिमकाना यात्रा निकाल लेंगे, परंतु अपनी सरकार बनाने के लिए और बहुजन समाज की सबसे बड़ी लीडर को प्रधानमंत्री बनाने से रोकने के लिए ये सारे प्रपंच और नाटक करते रहेंगे ये लोग। संविधान से पूरा देश चलता है, पूरे डिपार्टमेंट चल रहे हैं देश में, लेकिन संविधान बचाने की जब बात आती है, सिर्फ बहुजन लोग, दलित लोग ही आते हैं, सवर्ण लोग क्यों नहीं आते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यही है इन्हें कि ये बहुजन समाज के लोग जो हैं तार्किक बातें करने लगे हैं, अपने अधिकार मांगने लगे हैं। और हमें पता है कि अगर संविधान ना हो तो मनीष पार्टी के हिसाब से ये हमारा जो है अस्तित्व तक खत्म कर सकते हैं। तो इन लोगों को बड़ी जलन होती है जब बहुजन समाज के लोग जो है संविधान को बचाने की बात करते हैं। 24 में पनौती जीतेगा या पप्पू जीतेगा? देखो, पप्पू और पनौती में से हमें, मुझे नहीं पता, चाहे जीते कोई भी, हमें सरकार बहुजन की बनानी है, चाहे 2400, 2900, 2300, हम सिर्फ इस उम्मीद के साथ इस मिशन में लगे हुए हैं कि पप्पू और पनौती से अलावा बहुजन समाज की एक लीडर को हमें प्रधानमंत्री बनाना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।